बॉडी हमको जमीन से पैरेलल करनी है, टी शेप हमको बनाना है, वो हम ध्यान रखें। पहले पूरा सीधा खड़े रहना है, मेक श्योर चेस्ट इज लिफ्टेड अपवर्ड्स, ट्रंक इज स्ट्रेट, नीज एंड थाइस आर नाइसली एंगेज्ड। उसके बाद में सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है पीछे से इस तरह। यहाँ पे थोड़ा पॉज करें, पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए, नेक को न्यूट्रल रखिए, बाकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए, स्पेशली द होल ट्रंक एरिया एंड नीज एंड थाइस। इसके बाद में धीरे धीरे पीछे से एक पैर को उठाना है और अपर बॉडी को जमीन से पैरेलल करने की कोशिश करें। नेक को न्यूट्रल रखें, जमीन की तरफ देखें, हाथों को पूरा स्ट्रेच रखें। यहाँ पे हम 15 सेकेंड या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रुकने का टारगेट करना है। देखिए, दैट इज द थिंग अबाउट बैलेंस, द मोमेंट योर गेज शिफ्ट्स यू लूज बैलेंस। फिर सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए रिलैक्स। नाउ आई अंडरस्टैंड कि देख के शायद आपको लगे कि ये होगा या नहीं होगा, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस। तो एक चीज जो आप कर सकते हैं कि जब आप आगे जाएं तो अपने हाथ आप वॉल पे लगा लें। यू हैव टू प्लेस योरसेल्फ इन सच अ वे कि जब आप आगे जाएं आपका स्पाइन पूरा लंबा हो और हाथ जो है वो आप वॉल पे लगा दें। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि आपका पैर जो है, पैर पीछे से उठ रहा है ना, उसको आप किसी सर्फेस पे टिका दें, या तो हाथ या तो पैर, दोनों लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसको और सिंपल बनाने के लिए एक और तरीका है। सो मेरे आगे वॉल नहीं है, बट आप इमेजिन करिए कि मेरे आगे वॉल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हाथों को उठा के आप पहले सिर्फ अपर बॉडी को नीचे लाएंगे और अपने हाथ जो है वो वॉल पे लगा दीजिए। ये हो गया द हाफ पार्ट ऑफ द पोज इज टेकन केयर ऑफ। नाउ यू आर रेडी टू लिफ्ट योर लेग कंफर्टेबली। ओके, तो वहां पे आपको बैलेंसिंग का एलिमेंट इतना नहीं करना पड़ेगा, आप पोज को करेक्ट करने में टाइम और एफर्ट स्पेंड कर पाएंगे। ऑब्वियसली इट इज अ बैलेंसिंग पोज, आप एक पैर पर हैं, तो जो पैर आपका जमीन पर है वो नी और थाई पूरी तरह से एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर वो शेकी रहेगा ऑब्वियसली आपको बैलेंस नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज वीरभद्रासन और वॉरियर पोज 3। लेट्स डू दिस, इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन इंक्रीजिंग योर स्टेबिलिटी कोशेंट, और आपको ये करने में मजा भी आएगा। इट इज अ फुल बॉडी स्ट्रेच एज वेल।